फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है और वो बहुत अधिक रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसको हम किस तरीके से ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है यानी कि 6 महीने से छोटा है और वो बहुत अधिक रो रहा है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस लिए रो रहा है। आपको सबसे पहले उसके कानों को चेक करना होता है कि कहीं कानों में कोई पानी तो नहीं गया है, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है, जब सो के दूध पीता है, चाहे वो माँ का दूध पिए चाहे वो बोतल का दूध पिए, अगर वो सो के दूध पीता है सबसे पहली बात तो बच्चे को सो के दूध नहीं पिलाना चाहिए। फिर भी अगर किन्हीं कारणों की वजह से बच्चा सो के दूध पी रहा है तो आपको जब बच्चा बहुत रोता है तो आपको देखना पड़ता है कि कहीं बच्चे के कान में कोई पानी तो नहीं गया है, क्योंकि बच्चा जब सो रहा होता है तो वो जब सो के दूध पी रहा होता है तो कभी कभी क्या होता है हल्का सा दूध बच्चे के मुंह के बाहर निकलता है और निकलने के बाद क्या होता है वो दूध बह बह के बच्चे के कान के अंदर जाने का चांस बहुत अधिक रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि माँ कभी कभी सोचती है कि बच्चा का दूध गिर रहा है तो मुँह से गिरा है तो ये पोंछ देती है, लेकिन ध्यान में नहीं रखती है कि ये पोंछने के बाद भी दूध कहीं कानों के अंदर तो नहीं चला गया। तो आपको इसको बहुत ध्यान में रखना होता है और कान को चेक करना होता है। अगर बच्चा बहुत अधिक रो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर को बताइए कि बच्चा बहुत रो रहा है। ऐसा करने से क्या होता है कि वो जब दूध कानों के अंदर चला जाता है और वो क्या होता है जमते 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 वो क्या होता है भर जाता है, और भरने की वजह से बच्चे के कान में जो वो है थोड़ा पश जैसा चीज़ हो जाता है। जब वो पश जैसा चीज़ हो जाता है तो बच्चों को वो दर्द होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही दर्द होना शुरू होता है तभी वो रोना चालू कर देता है, मतलब रोना स्टार्ट कर देता है और हमें तो पता ही नहीं चलता। हम तो सोचते हैं कि मुँह दूध से गिर रहा है, हम ये पोंछ देते हैं, लेकिन दूध गिर के जब कानों के अंदर जा रहा है वो ध्यान में नहीं रहता है। तो आपको सबसे पहले उसके कानों को चेक करना होता है कि कहीं बच्चे के कान में तो दूध नहीं गया है, और चेक करने के बाद भी अगर आपको पता चले कि कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके बाद आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को बताइए कि बच्चा कंटिन्यूस रो रहा है, चुप्पी नहीं हो पा रहा है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे को बहुत गैस बन रही है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बन रही है पेट में तो आप क्या कीजिएगा, हल्का सा ऑयल लीजिएगा, हल्का सा ऑयल में हल्का सा एकदम बूंद बराबर पानी लेके उसके बच्चे के पेट की मसाज कीजिएगा। बच्चे की पेट की मसाज आप ऊपर से नीचे की ओर लेके जाइएगा और पेट के जो नाभि का हिस्सा है उसमें राउंड राउंड हल्के हाथों से राउंड राउंड मसाज कीजिएगा और ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाइएगा। तब बच्चा क्या होता है कि रिलैक्स मूड में आ जाता है और वो फार्टिंग की कोशिश करता है। अगर वो फार्टिंग करता है तो बच्चे की गैस अधिकतर मतलब अधिक हद तक रिलीफ उनको मिल जाती है, वो अधिक हद तक उनको आराम मिल जाती है, और वो मतलब जब उसको आराम मिलता है तो फार्टिंग भी करता है और उसको रिलैक्स होता है, तब वो धीरे धीरे चुप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 6 मंथ के अंदर बच्चे को अधिक मात्रा में उनको गैस बनती है, चाहे वो माँ का दूध पिए चाहे वो फॉर्मूला दूध पिए, फॉर्मूला दूध पीने से बच्चे को अधिक मात्रा में गैस बनती है। तो उसी वक्त बच्चे को मतलब गैस की वजह से बच्चे को पेट में दर्द होता है और वो बार बार रोता रहता है, बार बार रोता रहता है, तब आप उसको हल्की मसाज हल्के हाथों से हल्की तरीके से मसाज कीजिए, उसको बहुत हद तक उनको रिलीफ मिलती है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चे को बहुत भूख लग रही है। कभी कभी क्या होता है कि माँ उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो माँ को लगता है कि बच्चा को नियमित रूप से मिल्क मिल रहा है, मतलब बच्चा को नियमित रूप से दूध मिल रहा है, उसका पेट भर रहा है, लेकिन बच्चा जब फीडिंग करता है तो माँ का जो दूध होता है वो सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, नहीं निकल पाता है, तो बच्चों का क्या होता है कि पेट नहीं भर पाता है। तो बच्चा का पेट नहीं भरने के कारण भी बच्चा जो रोता रहता है। तो इसको भी माँ को ध्यान में रखना होता है, माँ को अपना दूध को चेक करना होता है, क्या उनका दूध प्रॉपर वैसे है जो बच्चे को चाहिए होता है उतना है, तो ये माँ को चेक करना होता है। माँ को लगता है कि बच्चा दूध पी रहा है तो माँ का दूध आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ का दूध नहीं भी आता है, बच्चा तो फीडिंग करता है, बच्चा तो खींचता है दूध, पर बच्चे को प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता है और माँ सोचती है कि बच्चा तो दूध पी रहा है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना होता है, बच्चा भूखा रह जाता है और इस कारण बच्चा रोता रहता है। तो फ्रेंड्स इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना होता है कि बच्चा 6 महीने के अंदर बच्चा बहुत छोटा होता है, वो तो कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ समझा नहीं पाता है, तो माँ को ही उनका ख्याल रखना होता है, माँ को इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना होता है। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ फ्रेंड्स इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलाती रहूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।